नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास आए हैं लगभग 2-1.5 सेट टॉप बॉक्स आए हैं और मैं मेरे गांव की पोस्ट ऑफिस में हूँ अभी फिलहाल में। ये 2-1.5 सेट टॉप बॉक्स आए हैं। एक ये पिंटू कुमार भाई साहब का आया है पंजाब से, वी जोन का 8007 है ये 1.5 सेट टॉप बॉक्स। और ये संतोष नामदेव यादव भाई साहब है महाराष्ट्र से, इनका कोई सा 6605 चिपसेट वाला 1.5 सेट टॉप बॉक्स आया है रिपेयरिंग के लिए। और ये कुछ अमेजोन से आया है सामान मेरे पास। तो दोस्तों, अगर आपने भी गलती से कोई सेट टॉप बॉक्स में गलत सॉफ्टवेयर कर दिया और बॉक्स डेड हो गया हो और आपसे रिपेयर नहीं हो रहा हो, तो आप मुझे मेरे पास जो है भिजवा सकते हैं रिपेयरिंग के लिए। तो चलिए, अब मैं चलता हूँ इसको रिपेयर करना, आपको सिखाता भी हूँ कि कैसे रिपेयर करते हैं। और मैंने बॉक्स खोल लिया। ये पिंटू कुमार भाई साहब है पंजाब से, इनका वी जोन 8007 का बॉक्स है। मैंने जो पैकेट खोल लिया, और ये संतोष भाई साहब का ये वाला बॉक्स है, आपको दिख रहा होगा ये क्या नाम है, कुछ N2020 करके नाम है, फेरेक्स नाम का सेट ऑफ बॉक्स है और आगे लिखा हुआ है N2020। तो चलिए दोस्तों, इसको अब मैं आपको बता दूं, देखो ये बूट पे अटका हुआ है, इन्होंने गलत सॉफ्टवेयर कर दिया था, तो अब ये बिल्कुल भी चालू नहीं हो रहा है, एकदम बूट पे अटका हुआ, इससे आगे नहीं जा रहा। तो इसको रिपेयर करने के लिए आपको कोई आईसी निकालना नहीं पड़ेगा। ये जो 3 पिन वाला ये जो हिस्सा दिख रहा है, इसको RS-232 के रूप में आपको यूज़ करना है और सॉफ्टवेयर करना है। तो ये मैंने जो है केबल वगैरह सब कुछ लगा दिया, देख लो। और आपको आपके कंप्यूटर में GX डाउनलोडर वाला सॉफ्टवेयर गूगल से डाउनलोड कर लेना है। मैं लिंक नहीं दे सकता क्योंकि पता नहीं कुछ वायरस टाइप बता रहा था, ऑटोमेटिक लिंक हट जाती है, इसलिए मैं डालता नहीं हूँ लिंक सॉफ्टवेयर की। आपको एक GX डाउनलोडर खोल लेना है, चिप टाइप पे अदर सिलेक्ट करना है, बूट फाइल में सबसे लास्ट वाला कर लेना है, सीरियल पोर्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर फाइल में जाके इसमें आपको जो भी सॉफ्टवेयर करना हो, जो भी आपको डालना है इसका सॉफ्टवेयर लेटेस्ट वाला वर्जन, वो सिलेक्ट कर लो और स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दो। और आप जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, ये बोलेगा कि पावर ऑन या रीस्टार्ट, यानी कि आपके सेट टॉप बॉक्स को पावर दो। तो दोस्तों, आपके सेट टॉप बॉक्स को आपको पावर दे देना। ये पिन जो है मैं पीछे लगा देता हूँ अभी, तो बॉक्स में पावर आ जाएगी, लाइट आ जाएगी। ये देख लो, मैंने इसको पावर दे दिया, लाल लाइट जल रही है, कुछ बॉक्सेस में नहीं चलती है। तो जैसे आप उसको पावर दोगे, इसकी सॉफ्टवेयर अपडेटिंग की प्रोसेस जो है चालू हो जाएगी। ये आपके सामने है दोस्तों, सॉफ्टवेयर अपडेटिंग की प्रोसेस चालू हो चुकी है। अभी यह गिनती दोस्तों 1 से 100 तक चलेगी, यानी कि अभी परसेंटेज 100 तक चलेगा और उसके बाद कंप्लीटेड लिखा हुआ जाएगा। तो आप क्या, आपको आपके बॉक्स को बंद करके चालू करना है, फिर सेट टॉप बॉक्स वापस चालू हो जाएगा। और तब तक वीडियो को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, और ये देख लो कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया। अभी ये बॉक्स मेरा है, इसको मैं बंद करके चालू करूँगा, सॉरी बटन से नहीं होगा, मैं इसको पिन निकाल के करूँगा और फिर से चालू करने के बाद आपको बताता हूँ। ये देख लो दोस्तों, बॉक्स चालू हो चुका। तो ये फोरेक्स N2020 का बॉक्स तो जो है सक्सेसफुली रिपेयर कर लिया मैंने, और आप भी सीख गए होंगे कैसे रिपेयर किया जाता है। अब मैं जो दोस्तों ये वीजोन 8007 को रिपेयर करता हूँ। दोस्तों, बहुत से लोग इसको केबल से रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, ये केबल से नहीं होगा दोस्तों। देखो, तो मैंने RS-232 लगा लिया, USB कन्वर्टर भी लगा लिया है, और ये यहाँ पे 8 नंबर पे आके अटक जाता है, रिकनेक्ट विथ हायर ब्रूड रेट पे। ये इससे आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, मैंने सारे हथकंडे अपना लिए, ये नहीं बढ़ेगा, ये सिर्फ USB प्रोग्रामर से ही रिपेयर होगा, IC निकाल के सॉल्डिंग करके। ये मैंने आपको बताने के लिए किया था। ये बॉक्स को खोल लिया मैंने, और इसके अंदर ही IC होती है दोस्तों, चिप IC, इसकी मेन, जिसको मेमोरी बोलते हैं, इसकी या जो भी बोलते पता नहीं, इसको आपको निकाल लेना है और इसको सॉफ्टवेयर करना है USB प्रोग्राम के थ्रू। और ये देख लो दोस्तों, हमने IC को निकाल लिया इस पे से, और जो मेरे पास 200 ML का SOPH सॉकेट मैंने आज मंगवाया था, उससे मैं कर रहा हूँ। बार बार वो प्लेट पे सोल्डिंग करने वाली झंझट दूर हो जाती है इसमें लगाने से, और इससे मैं करके देखता हूँ दोस्तों।
दोस्तों ये प्रोसेस थोड़ी सी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि लगभग ये प्रोसेस में हर वीडियो में आपको मिल जाएगी कि यूएसबी प्रोग्रामर से कैसे किसी भी सेट टॉप बॉक्स की जो चिप आईसी पे सॉफ्टवेयर कैसे चढ़ाते हैं। लगभग ये प्रोसेस आपको हर वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। और देख लो कंप्लीट हो गए लगभग। और अभी मैं इस चिप आईसी को वापस से सेट टॉप बॉक्स में सोल्डरिंग कर दूँगा। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और एक ज़रूरी बात दोस्तों, मुझे हर दिन नए नए लोग सीधे नंबर दे यूट्यूब पे नंबर देख के सीधा मुझे फ़ोन कर देते हैं, तो फ़ोन ना करें, पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और अगर मैं रिप्लाई ना करूँ तो फ़ोन करें। लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे कुछ भी बात हो तो यूट्यूब के वीडियो में से मेरा नंबर निकाल लेते हैं और फ़ोन कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का पहली बात तो मैं फ़ोन उठाता ही नहीं हूँ, और दूसरी बात अगर कोई बार बार कॉल करता है तो मैं उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने क्लियर वीडियो में बोल रखा है कि डायरेक्ट फ़ोन ना करें, फिर भी कर देते हैं। तो ये फिलहाल में एक बॉक्स रिपेयर हुआ है मेरे पास संतोष भाई साहब का, उनका मैंने बॉक्स पैक कर दिया और पोस्ट ऑफिस में लेके आ गया हूँ। वो जो वी जो 8007 का बॉक्स था वो हो नहीं रहा है, शायद गलत सॉफ्टवेयर की वजह से बॉक्स चालू नहीं हुआ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी फ़िलहाल में एक बॉक्स मैंने कर दिया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए दिन किसी और वीडियो के साथ।